गाड़ी जहाँ तक चलेगी चलेगी, वापस आ जाएंगे। ये 10 किलोमीटर जाम है। अब मेरे को ये समझ, जब बाढ़ आई थी ना सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं पड़ा था। ये घबराने की जरूरत नहीं है, बस छोटे मोटे जाम तंग करते हैं। तो दोस्तों अब गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट देखते हैं माइनस के अंदर। ये पहली बार ऐसा होगा कि कोल्ड स्टार्ट होगी। होगी स्टार्ट पेट्रोल गाड़ी का ना यही फायदा है। दोस्तों ये अब ब्लैक आइस के ऊपर चल रही है कार, जैसे अब स्विफ्ट धीरे धीरे चल रही है वैसे हमारी कार चल रही है। जब आपके थोड़ी बिग साइज की कार हो ना और ऐसी आइस वगैरह हो तो एकदम से ब्रेक मत मारना, और न्यूट्रल में तो बिल्कुल ना चलाना क्योंकि इसकी डिफरेंट कंडीशन होती है ना, गाड़ी स्किड करती ही जाती है नीचे। फिलहाल में हमारी गाड़ी को उन्होंने मना किया टैक्सी वालों ने, यहाँ की गाड़ी नहीं जाएगी, फॉर्मेट 2 नहीं है, फॉर्मेट 4 अलाउ करी हुई है। बट इन लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए, कि अथॉराइज से पूछना चाहिए कि वाकई जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो जाएंगे। मैंने किसी से पूछा, वो कहते हैं हाँ जा रही है गाड़ी। तो गाड़ी जहाँ तक चलेगी चलेगी, वापस आ जाएंगे। करने तो आए हैं यहाँ पे, रहने सोने तो आए हैं यहाँ पे सब, बट नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नज़ारा। इतना भयंकर जाम लग गया ना, अभी 10 मिनट पहले कुछ भी नहीं था, मैं बस 5 मिनट रुका हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी चेक करने के लिए, और उतनी देर में देखो कितना जाम है। देखो ये 10 किलोमीटर जाम है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं मोड़ू भी कैसे वापस। मजा आ गया दोस्तों, जाम खुल गया, थोड़ा थोड़ा जाम है अभी भी, अब बस थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा नहीं मतलब अभी थोड़ा सा ही किया, अभी थोड़ा सा और है, थोड़ा थोड़ा करते पहुंचेंगे तभी पहुंच पाएंगे। स्नो देखनी है हिमानी ने, स्नो देखनी है। दोस्तों जो रोहतांग का पॉइंट है ना वो आगे जाके आता है, बीच में निकल के आता है, कट आता है इस साइड की साइड पे, बट वो अभी बंद है क्योंकि वहाँ इतनी स्नोफॉल है, वो गाड़ी तो कोई भी नहीं जा सकती वहाँ पे। और ये हम सीधा जाएंगे अटल टनल की तरफ, उससे पहले ही सोलांग वैली आता है। जब बाढ़ आई थी ना सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं पड़ा था। यहाँ पे ना एक बैलून वो था, बैलून उड़ाने वाला जो था, उसमें क्या था जब लास्ट टाइम आए थे ना तो हमने वो देखा था, और जैसे ही हमारे जाने के बाद जब बाढ़ वगैरह आई सारी तो सारा वो तहस नहस हो गया, और इनके इसके निशान अभी भी हैं तहस नहस होए के। सड़कें थोड़ी बहुत बन रही हैं, बड़े काफी टाइम से चाह था मेरा कि देखना है देखना है दोबारा देखना है। दोस्तों देखो गाइस, क्रेजी सीन्स है, क्रेजी सीन्स। ये सारा जो तबाह हो गया था सब दोबारा बना रहे हैं, लेकिन बना नहीं अभी। वाओ ग्रेट ग्रेट व्यू, ग्रेट व्यू। इमानी भी लगी हुई वीडियो कॉल पे दिखा रही है सबको। और ये सड़क जा रही है नीचे जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये देखो। मनाली आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं है, यहाँ तक तो आप आ ही सकते हो। सेल्टोस हमारी फुल पावर के साथ जाती हुई पहाड़ों में भी इन्होंने 60-70 की स्पीड में, ये तो ऐसे ड्राइव कर रहे हैं जैसे प्लेन में करते हो। दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ, 4x2 कार है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस छोटे मोटे जाम तंग करते हैं, आप देख ही रहे हो।
चढ़ाई पर जाते हुए। आप मेरे पीछे व्यू देखिए, कमाल का व्यू है, कमाल का। किसका जाने का मन करेगा। अब देखना, अब ये स्लाइड है, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, हल्की हल्की आइस है। देखो सभी गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, हमारी गाड़ी भी देखना बहुत इजी वे में चल जाएगी, कोई हमें ज्यादा थ्रॉटल देने की जरूरत नहीं है। देखो अब जैसे यहाँ भी फंस गई गाड़ी, जैसे रोकी, आराम से एक्सलेट करना है, कोई ज्यादा जल्दी नहीं मचानी वरना गाड़ी आपकी स्किड करेगी। थैंक्स टू अट्रैक्शन कंट्रोल, इसका ज्यादा स्किड नहीं करने देता। अब आप बहुत व्यू इंजॉय करता हूँ। कुछ ना रह ही जाता है। एक्चुअली हमारा मेन था, हमें जाना था आगे किलोंग जिस्पा तक, लेकिन बंद की हुई अटल टनल। दोस्तों बुरे हाल है, गाड़ी देने की जगह नहीं है और आप पैदल। स्नो ही स्नो, वो आ गया प्रॉपर सुलांग वैली। दोस्तों ये तो सोलांग वैली खचाखच भरा हुआ है, हिमानी के ऑलमोस्ट सभी सपने पूरे हो गए बर्फ को लेके। कहती और बर्फ नहीं देखनी, बस जितनी देखनी देख ली। अब बस यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि जाम लगने के आसार हैं। हम जितना जल्दी हो उतना निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको पता है टाइम की कमी होती है, ऑफिस जाना होता है। तो हिमानी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल व्यूज है ना, एक के बाद एक सोने सोने में जाने का दिल तो नहीं कर रहा वैसे। ये चल रही बुट्टा इज अमेजिंग। हिमानी ठीक है, बढ़िया लगा वो शॉट करो जो करना चाहते थे, वो अच्छा स्नो उड़ाते थे। हाँ मेरी गाड़ी जैसे आपने वीडियो में देखा था कि बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी थी, क्योंकि वो पार्किंग टाइम थी। अब जब मैं गाड़ी को निकालने लगा था ना, तो देखा आपने वीडियो में, वो और भी स्किड कर रही थी। तो 4x4 होती तब तो कोई चक्कर नहीं था, बट ये 4x2 है, तो इसका गाड़ी का एडवांटेज मेरे को ये था ट्रैक्शन कंट्रोल का। मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया और सेकंड गियर के अंदर मैंने स्किड करी गाड़ी। लेकिन उसमें क्या होता है, सेकंड गियर में स्किड कम करती है, पिकअप कम लेती है, लेकिन यह कि अपने पूरे हैवीनेस के साथ बाहर निकलती और वो सेकंड गियर के अंदर बाहर निकली, क्योंकि फर्स्ट टायर के अंदर मैंने स्मेल भी आ रही है, टायर काफ़ी ज़्यादा स्किड किया मैंने। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? आपको तो अच्छा लगा होगा, थोड़ा आपको लगा होगा कि हम भी फरवरी में निकले अपनी गाड़ी में और थोड़ा एडवेंचर करके आए। जाम ये चलता रहेगा तो जाम के साथ मैं आपको बाय बाय करता हूँ, मैं जाम से लड़ता हूँ।
मेरी वीडियो को देखिए और शेयर करते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों से जितनी मैं मेहनत कर पाता हूँ। मैं जानता हूँ मैं इतनी मेहनत मेरी नहीं होती फिर भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कम मेहनत कर रहा हूँ, बट इन्जॉयमेंट के साथ साथ व्लॉग बनाना, इन्जॉय भी करना जरूरी है ना। बार बार मैं वीडियो भी नहीं बना पाता तो मैं थोड़ा इन्जॉय में ही लग जाता हूँ। तो बस यही है, आप लोग आओ, रास्ते क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम खिला हुआ है, आप इन्जॉय करो।